हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम्स लाइफ। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है मेडिसिन को लेके। ऐसे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बात करने के लिए, लेकिन फिर भी ये बात है बात करने लायक। एक्चुअली होता क्या है कि हम अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाते हैं। कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैं और मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर के यहाँ गए थे, तो हम बस रूटीन चेकअप के लिए गए थे। जब हम मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ लेने लगे तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 दिन की ही दवाइयाँ दीजिए। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, आपको तो डॉक्टर ने एक महीने की दवाई मतलब 30 दिन की दवाई लेने के लिए बोला है, तो आप 20 दिन की दवाइयाँ क्यों ले रही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं 20 दिन की दवाइयाँ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि लास्ट मंथ में मैं 10 दिन दवाई खाना ही भूल गई थी। तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे आप भूल गई, क्योंकि हम जब भी कोई दवाई का कोर्स स्टार्ट करते हैं, जब भी डॉक्टर हमें बताता है कि आपको एक महीने ये दवाई लेनी है, दो महीने लेनी है, जितना भी पीरियड डॉक्टर हमको बताते हैं हमें उसके अकॉर्डिंग दवाई लेनी चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दिन स्किप करें, दो दिन खाएं, फिर चार दिन फिर स्किप करें। इसलिए नहीं क्योंकि हम भूल जाते हैं, इसलिए हम स्किप ही कर दें। वो चीज गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक बार मेडिसिन में गैप कर देते हैं तो आपका बाकी का जितने दिन आपने पुराना खाया होता है इफेक्ट होता है, लेकिन उतना अच्छा इफेक्ट नहीं होता, आपको 100% रिजल्ट उस चीज का मिलता ही नहीं है। और ऐसे तो आप हमेशा डॉक्टर के पास जाते रहेंगे हर महीने और लेते ही रहेंगे दवाइयाँ, आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं जो मिलना चाहिए। इसलिए दवाइयाँ खाना बहुत जरूरी है। अगर आपका किसी चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको समय से दवाइयाँ खाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपनी दवाइयाँ लेना नहीं भूलेंगे और आप टाइम से अपनी दवाइयाँ खाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला ट्रिक या टिप्स मैं बोलूँ, तो आप जिस भी वजह से डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि आप जाके वहां समझें कि आपको क्या प्रॉब्लम है या आप डॉक्टर को क्यों दिखाने जा रहे हैं। डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन्स देती है, कैल्शियम, फॉलिक एसिड कुछ भी देती है। जैसे इस टाइम पे मेरी फॉलिक एसिड और कैल्शियम की टेबलेट रेगुलर चल रही है। ऐसा मेरा कोई रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, किसी स्पेशल कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो किसी बीमारी को लेकर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं रूटीन चेकअप के लिए जाती रहती हूँ। अगर हमें अपने शरीर में कोई छोटा सा बदलाव दिखता है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम बहुत जरूरी है डॉक्टर के पास जाना। और डॉक्टर से खुद समझें कि आपको कब कौन सी दवाई खानी है, बजाय इसके कि आप जिसको अपने साथ में ले जाए, वो आपके हस्बैंड हो, भाई हो, या कोई भी आपके साथ में जाए, आपकी फ्रेंड, आपकी मदर, कोई भी आपके साथ में जाए, तो आप उस पर डिपेंड मत होके जाइए कि आप सिर्फ डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। आपके साथ में जो जा रहा है वो ये समझने के लिए जा रहा है कि आपको कौन से टाइम पे कौन सी मेडिसिन देनी है। तो आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना रहे। मैं कहूंगी कि यहाँ पे आप आत्मनिर्भर बने और आप खुद जाके डॉक्टर से समझें कि आपको कौन से टाइम पे आपको कौन सी टेबलेट लेनी है, सिरप है तो कब लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कौन से टाइम पे क्या लेना है, या आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपको करना क्या है, तो आप अपने डॉक्टर से बोल दीजिए। और डॉक्टर बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, आप लोगों को भी पता है। कुछ डॉक्टर नहीं होते तो उनका नहीं कह सकते, लेकिन 99% जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। आप उनसे बोल दीजिए कि आपको ध्यान नहीं रहता आपको कब कौन सी मेडिसिन लेनी है, तो आप मेडिसिन के बगल में लिख दीजिए कि कब लेनी है ये मेडिसिन, सुबह, रात, शाम, दोपहर में, या खाने के बाद, खाने के पहले कैसा है, तो वो सारा कुछ लिख देंगे आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप अपनी दवाइयाँ टाइम से लेंगे, आपको पता रहेगा कि आपको कब कौन सी दवाई लेनी है। अब आते हैं सेकंड टिप पे। तो मेरा सेकंड टिप ये है कि कई लोगों को मैंने देखा है कि वो कलर देख के दवाइयाँ खाते हैं, जस्ट लाइक कि व्हाइट कलर की टैबलेट दे दो अभी मुझे ब्राउन कलर की टैबलेट दे दो, अभी मुझे फलाने कलर की टैबलेट दे दो, ढकाने कलर की टैबलेट दे दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले ये करना बंद कर दीजिए कि आपको किस कलर की टैबलेट खानी है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं दवाइयों के नाम, क्योंकि थोड़े से अजीब होते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस दवाई का नाम क्या है, तो आप किसी भी ऐसे इंसान से पढ़वा लीजिए उसको, आप समझिए कि इस टैबलेट का नाम क्या है या सिरप का नाम क्या है। इनके साथ आपको नहीं समझ में आता तो आप अपने नॉलेज के लिए उसको कुछ भी, मतलब जैसे आपको टूटा फूटा जैसा पढ़ने में, आप उसको समझ लीजिए कि हाँ फलानी चीज है, या उसकी कुछ भी आप किसी से पढ़वा लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि आप जो टैबलेट ले रही हैं वो कौन सी टैबलेट है। ये तो इससे आपको एक फायदा और हो जाएगा कि जैसे कि आप कभी कहीं बाहर गए हैं और आप अपनी दवाइयां घर पर ही छोड़ गए हैं, तो आप वहां जाकर वो टैबलेट मार्केट से परचेस कर सकते हैं। अगर आपको सेम टैबलेट नहीं मिलेगी तो उसी ड्रग का कोई सब्स्टिट्यूट आपको मिल ही जाएगा, तो इस तरह से आपकी दवाइयां स्किप नहीं होंगी। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि दवाइयां जैसे कि आपको नहीं ध्यान रहता कि यार मुझे कब खानी है, कैसे खानी है, ये ब्रेकफास्ट के पहले खानी थी, ये ब्रेकफास्ट के बाद खानी है, या फिर लंच के बाद खानी है, रात में डिनर के बाद खानी है, या फिर सुबह खाली पेट में खानी है, तो आप क्या कीजिए, जैसे आपको सुबह खाली पेट दवाइयां खानी है, तो आप जैसे ही अपने बेड से उठे तो आप जहाँ पानी वगैरह रखते हैं अपना पीने के लिए, सुबह उठ के मोस्टली लोग पानी पीते हैं, इनकेस नहीं भी पीते तो आप ऐसी जगह पर रखिए जो जगह आपको सुबह सबसे पहले दिखती है। जैसे कि आपको फोन, अपना सब लोग सबसे पहले अपना फोन उठ के चलाते हैं, अपने फोन के बगल में आप खाली पेट वाली दवाइयां रख लीजिए, ताकि आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे ये दवाई अभी खाली पेट खानी है। लंच करने के बाद आपको जो
दवाई चाहिए, तो आप जो भी काम लंच करने का सबसे पहले कर रहे हैं, जैसे हैंड वॉश करते हैं, आप वहां रख लीजिए दवाई जहां आपको दिखे कि मुझे ये दवाई अभी खानी है। जैसे रात की कोई दवाई है सोने के टाइम की, तो आप रात में कुछ भी अपने चेहरे पे लगाते हैं, लिप बाम लगाते हैं, तो आप ऐसी जगह रख लीजिए कि आपको वो दवाई दिखे कि हाँ भाई मुझे ये रात में खानी है, तो इससे आपकी दवाई स्किप नहीं होगी। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, तो क्या होता है कि लोग बोलते हैं हमें याद ही नहीं रहता हमें कि हमें दवाई खानी है, और इसलिए हमारी दवाइयाँ स्किप हो जाती हैं। आपको ये महीना दो महीने आप ये करेंगे और उसके बाद आपको इस चीज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप सबसे ज्यादा अपना टाइम जहाँ स्पेंड करते हैं, लाइक आप अपने बेडरूम में सबसे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, किचन में करते हैं, तो ऐसी किसी जगह, मतलब जो थोड़ा सा हिडन हो, हर आने वाले को ना देखे लेकिन आपको वो जगह दिखती ही रहे, तो आप वहां लिख कर रख ले, लिख कर ऐसे एक पेपर पे लिख लीजिए, उसको वहां चिपका दीजिए, स्टिक कर दीजिए वहां पे। उससे आपको क्या कुछ दिखता रहेगा कि हाँ मुझे फलानी दवाई अभी खानी है, जब आप दिन भर देखते रहेंगे उसको कि नहीं मुझे दवाइयां खानी है दवाइयां खानी है, तो आप उस चीज को लेंगे। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे लोग ही दवाइयां खाते हैं, सबको ही दवाइयां खानी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है और उसको खानी है, तो आप यार स्किप करके भी चीजों को सही नहीं कर सकते ना, तो जब आप स्किप करके चीजों को नहीं सही कर सकते, आप उसको कंटिन्यू कीजिए कि वो स्किप ना हो और आपको रिजल्ट अच्छा मिले। लास्ट पॉइंट में बताती हूँ, आप जहां भी जा रहे हैं जिस तरह से आप अपने सारे जरूरी सामान रख के ले जाते हैं, जैसे कि आप कहीं शादी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, अपने फेवरेट ड्रेस रखते हैं, अपने वो ड्रेसेस रखते हैं जो बहुत अच्छे दिखते हैं, आप उनमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसी तरह से आपको अपनी दवाइयां भी अपने साथ जरूर रखनी है। छोटा सा पर्स सभी अपने पास रखते हैं, चाहे वो हैंडबैग हो, क्लच वगैरह कुछ भी हो, आप उसमें अपनी दवाइयां डाल लीजिए, क्योंकि आपको जब आप बार बार देखेंगी तो आप उनको खा ही लेंगे, बजाय इसके अरे नहीं मुझे ध्यान है मुझे दवाइयां खानी है और मैं खा ही लूंगी, ये बिल्कुल मत सोचिए। आप अपनी दवाइयां अपनी नजरों के सामने रखिए। तो आज का मेरा टॉपिक यही था कि हम कैसे अपनी दवाइयां रेगुलर ले सकते हैं बिना स्किप किए, क्योंकि अगर हम दवाइयां रेगुलर नहीं लेंगे तो हमें 100% रिजल्ट ही नहीं मिलेगा और हम हर महीने डॉक्टर के पास जाते ही रहेंगे। हाँ, अगर कंटिन्यूअसली हमें दवाइयां लेनी है तो हमें रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा, हम डॉक्टर के पास जाना बंद कर देंगे और हमारी बीमारी कहीं ना कहीं खत्म हो भी जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, कोई चार्ज नहीं है सब्सक्राइब करने का। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिनको ऐसी प्रॉब्लम है कि भैया वो भूल जाते हैं कि उनको दवाइयां खानी, कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उनके साथ स्पेशली वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो अपनी दवाइयां टाइम पे लें। और सबसे ज्यादा जरूरी, आप खुश रहिए, आप खुश रहेंगे तो आप दूसरों को खुश रख सकेंगे, आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।